सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं यूएसबी के थ्रू और वो आपको मोबाइल जो है यूएसबी के थ्रू कनेक्ट नहीं हो पाता है आपके लैपटॉप या पीसी से, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कैसे कनेक्ट कर पाएंगे यूएसबी के थ्रू, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए जान लेते हैं, अगर आपका यूएसबी के थ्रू कनेक्ट नहीं हो रहा है किसी भी जो है लैपटॉप या पीसी से, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो है डेवलपर ऑप्शंस में आ जाना है। आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शंस। मेरे पास यहाँ पर रेडमी एमआई का मोबाइल है, तो मेरा यहाँ पर जो है एडिशनल सेटिंग में है। अगर आपके पास किसी और ब्रांड का मोबाइल है तो उसमें सेटिंग चेंज हो सकती है, बट आपको जाना डेवलपर ऑप्शन में ही पड़ेगा। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में आने के बाद नीचे की तरफ देख पाएंगे डेवलपर ऑप्शन, इस पर आ जाना है। देन उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूएसबी डबिंग, तो इसको आपको अनेबल कर लेना है गाइज। और यहाँ पर आई एम अवेयर ऑफ दी पॉसिबल रिस्क एंड अज्यूम ऑल पॉसिबल, तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना गाइज, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ से सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। देख सकते हैं यहाँ से ये अनेबल हो चुका है। अब आपको करना क्या है, नीचे आना है और यहाँ पर नीचे आने के बाद एक और सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नीचे देख सकते हैं यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन, इस पर आइए। यहाँ पर आने के बाद आप देख पाएंगे, अगर मैं अपना जो है मोबाइल को यूएसबी के थ्रू अपने लैपटॉप पीसी से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ट्रांसफ़र फ़ोटोज़ पर सिलेक्ट हो रखा है मेरा, तो जब भी मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ से फ़ोटो जो है मैं ऑलवेज़ ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। कोई चार्जिंग नहीं, कोई जो है यहाँ पर अदर फाइल नहीं जा पाएगी, सिर्फ फ़ोटोज़ वगैरह जा पाएंगी। और अगर मैं यूएसबी थ्रेटनिंग करता हूँ तो यहाँ पर जो है अपना इंटरनेट यूज़ कर पाऊँगा इस यूएसबी के थ्री ऑलवेज़। जब भी मैं कनेक्ट करूँगा तो हमेशा जो है मैं इंटरनेट यूज़ कर पाऊँगा अपने यूएसबी के थ्रू अपने कंप्यूटर में। फ़ाइल ट्रांसफ़र में मैं कोई भी फ़ाइल यहाँ पर अपने मोबाइल में मोबाइल के थ्रू अपने उसमें सेंड कर सकता हूँ पीसी में, ठीक है। यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र रखिए, आपकी मर्ज़ी किसी भी चीज़ को रखिए, तो यहाँ से हमेशा के लिए वही आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ फ़ोटो चाहते हैं कि फ़ोटो हमेशा आप जो है यूएसबी के थ्रू सिलेक्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफ़र फ़ोटो पर कर दीजिए, तो आपका मर्जी है। नो डाटा ट्रांसफ़र रखना चाहते हैं नो डाटा रखिए, और तो ऐसे ही जो है आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। बस आपको ये सेटिंग को ऑन कर देना है गाइस, देख सकते हैं यूएसबी डबकिंग, तो बस इसको ऑन रखिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इजीली आप यूएसबी के थ्रू कनेक्ट हो पाएंगे। सो गाइस, होप आपको सब कुछ समझ आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।